हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, लास्ट जो टॉपिक था उस टॉपिक में हम लोगों ने वॉइड्स निकालने सीखे थे और ये देखा था कि दो तरीके के वॉइड होते हैं हमारे पास जो मेनली हम पढ़ते हैं। वन ऑफ विच इज टेट्राहेड्रल वॉइड एंड द सेकेंड वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो टूडेज अवर टॉपिक इज पैकिंग एफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। अगर पैकिंग एफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर मैं इसको सिंपली वे में कहूं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड। क्या कह सकते हैं? कैलकुलेशन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड। अब स्पेस ऑक्यूपाइड किसने किया? स्फीयर्स ने। आपने हम लोगों ने जो था लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो पार्टिकल है हम उसको एज अ हार्ड स्फीयर कंसीडर करके चल रहे हैं, तो उन स्फीयर्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, दैट इज कॉल्ड देयर पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहां से हम परसेंटेज ऑफ स्पेस जो ऑक्यूपाई किया है वो हम यहां पर निकालेंगे। तो अगर मैं कहूं कि पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि जो आपका जो क्यूब है, जो क्रिस्टल है, अब उसको अब पूरा पूरे के बारे में निकालने के लिए हम किसके बारे में पढ़ते हैं? सिर्फ यूनिट सेल के बारे में लेके चलते हैं ना, यूनिट सेल को लेके चलते हैं। यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उन्होंने कितना स्पेस, कितना परसेंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई किया है, दैट इज कॉल्ड इट्स पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहां पर मैं बच्चे पूरी क्रिस्टल को लेकर नहीं चलेंगे, वही जो हम यूनिट सेल को लेकर चल रहे थे, क्योंकि अगर एक यूनिट का पता होगा तो हम बाकी हम पता चल जाए कितनी यूनिट्स है, तो वहां से इजिली उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में कौन कौन सा आएगा हमारा? एक आएगा SCC। ठीक है, SCC क्या था हमारा? सिंपल क्यूबिक लैटिस। इसके अलावा कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। थर्ड पढ़ेंगे BCC। इन तीनों केसेस के में पढ़ेंगे, इन तीनों केसेस का क्या पढ़ेंगे हम लोग? पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। अगर फर्स्टली हम बात करते हैं यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन की, SCC पहला क्या निकाल रहे हैं हम? SCC, सिंपल क्यूबिक सेल भी बोल सकते हो और लैटिस भी बोल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। सिंपल क्यूबिक लैटिस या सिंपल क्यूबिक सेल, इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल एक उस यूनिट सेल के कहां पर प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स पे, है ना। तो यहां पर मैं बोल सकती हूं दैट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। तो यहां पर मैं क्या करती हूं, क्यूब को ड्रॉ करती हूं। ये रहा हमारा क्यूब, राइट। अब हमें देखना है कि हमारे जो पार्टिकल्स है वो किधर है। पार्टिकल्स हमारे किधर है बच्चे? कॉर्नर्स पे जो है हमारे वो पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो पार्टिकल्स देखिए कॉर्नर पे है, एक कॉर्नर मेरा ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा, तो ये स्फेरिकल शेप में है। तो जो स्फीयर होंगे इनके वो क्या करेंगे, एक दूसरे से टच करेंगे। अभी के लिए बता हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ये क्या है मेरे पास? 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट है हमारे पास, राइट। 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट है। तो मैं क्या करती हूं, सिर्फ ऊपर वाले के जो है मेरी रूफ ले लेते हैं, सिर्फ इनके इनका निकाल लेते हैं, इनके बारे में निकालेंगे, बाकी सभी का क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम निकल के, वॉल्यूम ही तो चाहिए मुझे, राइट। देखिए यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? वॉल्यूम किसका होगा? वॉल्यूम किसका होगा आपका? स्फीयर का, एक स्फीयर का वॉल्यूम, सॉरी जितने भी स्फीयर होंगे उनका वॉल्यूम, स्फीयर का टोटल क्यूब का वॉल्यूम, है ना। जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स या वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स बोल सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स को आप एज ए स्फेरिकल फॉर्म में कंसिडर करके चल रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम किसका? ऑफ क्यूब बोल सकते हैं, या फिर जो आप सेल मान के चल रहे हैं, जो यूनिट सेल लेकर चल रहे हैं
उसका उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो और इंटू में क्या कर देंगे बच्चे, 100 कर देंगे, तो परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा, 100 नहीं करेंगे तो पॉइंट्स की फॉर्म में आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, एक के बारे में निकाल लेंगे तो बाकी 1 2 3 थ्री साइड्स रह जाएंगी, वहां से उसको इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। चलो देखते हैं। तो देखो कि मैंने क्या किया, समझने के लिए देखते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि मुझे क्या चाहिए फिलहाल, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया, ऊपर वाले पार्टिकल्स को पकड़ लिया, ये रहे 2 3 4, ये जो है ये इस तरीके से बचे, इस तरीके से होते हैं, 1 2 इस तरीके से, ठीक है। यानी कि ये जो होते हैं, ये जो स्फीयर्स होते हैं, एक दूसरे से टच्ड होते हैं, किसमें, एससीसी में, ठीक है। एक दूसरे से क्या होते हैं, टच्ड होते हैं, इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैंने इसको नीचे ड्रॉ कर दिया। क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब देखें यहां पर ये एक स्फीयर है, ये रहा एक स्फीयर, ये स्फीयर्स के क्या हो गए, सेंटर हो गए, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेरी क्यूब है, ये जो मेरी क्यूब है, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको मैं एज लेंथ कहूंगी, एज मतलब किनारा, एज लेंथ को मैंने डिनोट कर दिया ए से, एज लेंथ को डिनोट कर दिया ए से। अब ये जो जिसको आपने एक स्फीयर कहा है ये वाला, और जो आपने जिसको आपने दूसरा स्फीयर कहा है, ये सेंटर हो गया, और ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। इस रेडियस को क्या कह दिया मैंने, स्मॉल आर, दैट मीन्स दिस वन इज नोन एज स्मॉल आर, दिस वन इज ऑल्सो स्मॉल आर, ये भी क्या हो गया आपका आर हो गया, आर सेंटर हो गया, आर आर दो आर हो गए। तो ये कम्प्लीटली क्या हो गई, एक आर, ये एक आर, यानी कि पूरा जो आपका ए है वो टू आर के इक्वल हो गया, है ना, ये जो पूरा ए है वो टू आर के इक्वल हो गया। क्लियर हुआ। तो हम यहां पर सपोज करके चलते हैं, लेट अस सपोज दैट जो एज लेंथ है, क्या है बच्चे, एज लेंथ है किसकी, ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, राइट। और जो रेडियस ऑफ स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर यानी कि एक स्फीयर की जो रेडियस है वो क्या है, आर है। तो अगर इन दोनों को कोरिलेट करें, रिलेशन रिलेट करें, तो ए इज इक्वल टू क्या निकल के आया आपका, टू आर। ए ये कंप्लीट था, एक आर ये रहा, एक आर ये रहा, सो ए इज इक्वल टू टू आर आपका यहां से निकल कर आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे देखना है, एसएससी पढ़ रहे हैं ये, तो सिर्फ मैंने क्या, हमने क्या देखा, इतने ही स्फीयर के लिए देखा ना, चेक करके देखा, लेकिन मेरे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है एसएससी में, सो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, और कौन सा केस पढ़ रहे हैं हम, एसएससी में, ठीक है। तो एसएससी में कितने, 8 कॉर्नर्स थे हमारे पास, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/8, तो नंबर ऑफ स्फीयर पार्टिकल्स कितने हैं बच्चे, 1। आई बात समझ में, क्या किया हम लोगों ने, ए की वैल्यू 2r निकाल ली। अब यहां से तो हमने क्या देखा, एक रिलेशन चेक किया था कि स्फीयर से हम रेडियस वगैरह कैसे निकाल सकते हैं, बाकी अब मुझे कितने पार्टिकल्स के लिए ऐसा निकालना है ये चीज देखनी है। तो एसएससी पढ़ रहे हैं, एसएससी का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके कॉर्नर्स पर ही क्या प्रेजेंट होंगे, एटम प्रेजेंट होंगे। तो नंबर पर यूनिट सेल, अब एक यूनिट सेल में एक टोटल एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 8 कॉर्नर्स है, लेकिन एक कॉर्नर, जो एक कॉर्नर है वो आगे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम में, 8 यूनिट से और जुड़ा हुआ है, 3 इधर और 4 ऐसे ही, एक तो यही हो गया, 1 2 3 4 और 4 ही कहां आ जाएंगे, ऊपर। तो एक कितने से है, 1/8 से, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने निकाले थे हम लोगों ने, 1, गॉट इट। अब देखिए, अब मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 πr, क्योंकि यही तो चाहिए ना मुझे, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, गॉट इट। अच्छा, अब मेरे पास स्फीयर है कितने, 1, ठीक है, तो इनटू में क्या करेंगे, 1। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास में, ए क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब होता है। अच्छा, ए किसके इक्वल था, 2r के इक्वल था, ए किसके इक्वल था, 2r। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकती हूं दैट वॉल्यूम
ऑफ क्यूब विल बी 2R की क्यूब, राइट। तो इसको अगर और खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 8R क्यूब। बस यहां से हम क्या निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आया था बच्चे मेरे पास में, ये रहा 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या आया मेरा, 8r³। सो r³ से r³ कैंसिल, 4 × 2 = 8, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, π/6, ये 3 नीचे आएगा ना, सो π/6। तो जब इस π/6 की वैल्यू 3.14 / 6, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.524, क्लियर। अच्छा, इनटू में 100 भी करना था, तो अगर नॉर्मली पूछता है तो यह आ जाएगा, परसेंटेज में पूछता है तो 0, क्योंकि 100 परसेंटेज के लिए करेंगे, इनटू में 100, दैट मीन्स 52.4। सो अगर आपसे कोई एफिशिएंसी पूछे किसकी, एससीसी की, तो वो क्या आ जाएगी, 52.4% आ जाएगी। अब अगर एफसीसी के लिए निकाले, आई होप आपको अगर एससीसी की समझ में आ गई तो एफसीसी की भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। बहुत सिंपल है, इनमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। देखो, एफसीसी का मतलब क्या है कि जो आपके स्फेरिकल पार्टिकल, एफसीसी का मतलब क्या है, जो आपके पार्टिकल्स है वो कहां पर प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे प्लस में फेसेस पे, है ना। जिसमें कॉर्नर्स आपके पास कितने होते हैं, 8 होते हैं, फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इस तरीके से क्या करेंगे, जो आपकी यूनिट सेल उसको ड्रॉ करेंगे। ये रही आपकी यूनिट सेल, ठीक है। अच्छा, अब आपके कहां कहां पर है पार्टिकल्स, देखिएगा पार्टिकल्स एक तो है आपके कॉर्नर्स पे, ये रहे, आठ तो कहां पे है कॉर्नर्स पे, और 6 कहां है बच्चे, फेसेस पे, 6 कहां पर है फेसेस पे, फेस ये रहा 1, 2, 3, 4, ये बैक साइड पे और ये फ्रंट साइड पे, ठीक है, ये बैक साइड पे, ये फ्रंट साइड पे, तो टोटल कितने हो गए, 6 फेसेस हमारे पास में हो गए। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, एफसीसी चाहिए। एफसीसी के लिए क्या आने चाहिए, आपके कॉर्नर्स प्लस फेसेस दोनों आने चाहिए। तो इसको अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखूं तो इस तरीके की अरेंजमेंट आएगी, ऊपर वाला बता रही हूं मैं आपको, दो, ठीक है, ये रहा, इस तरीके की अरेंजमेंट बच्चे आएगी। इसमें क्या है, आपके जो कॉर्नर्स हैं वो आपस में अटैच नहीं है। एससीसी में क्या थे, ये आपस में स्फीयर अटैच थे, अब कौन से अटैच आपके पास में, कॉर्नर प्लस फेसेस, कॉर्नर प्लस फेसेस, कॉर्नर प्लस फेसेस, याद रखिएगा, इनके लिए हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, इस तरीके से, यानी कि मुझे जो ओवरऑल डिस्टेंस निकालनी है वो कौन सी निकालनी है, ये वाली निकालनी है, कौन सी निकालनी है बच्चे, ये वाले डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि इस पॉइंट को यहां से मैं ऐसे ज्वाइंट कर दूं, ठीक है, ये वाली जो है मुझे डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली, ठीक है। तो इनको अगर मैं नंबर दूं, नंबर देते हैं या फिर कोई नाम देते हैं, तो मैंने इसको कह दिया लेट से ए, इसको मैंने कह दिया बी, और इसको मैंने कह दिया सी, ठीक है। दिस वन इज ए बी एंड सी, मुझे क्या चाहिए, ए सी चाहिए। तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स तो हमें आता ही है, तो एक ट्रेंगल बन गई, ट्रेंगल बन गई, तो यहां से एसी स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, एबी स्क्वेयर प्लस में बीसी स्क्वेयर, एबी स्क्वेयर प्लस में बीसी स्क्वेयर। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, एसी स्क्वेयर, एसी चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ एबी स्क्वेयर प्लस बीसी स्क्वेयर। अब यहां पर एबी क्या है, याद कीजिए एससीसी में जो एज लेंथ थी हमारी, एज लेंथ क्या लेकर चल रहे थे हम लोग, ए, है ना, ये वाली जो डिस्टेंस थी, देखो क्यूब है तो सारी एक जैसी होगी, कभी को मैम हमने तो ये वाली मानी थी, क्यूब है ना तो सारी कैसी होंगी, एक जैसी ही होगी। तो ए भी आपका क्या है, ए है, और बीसी भी क्या है आपका, तो इनकी वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा बच्चे, ए सी, ए भी क्या है आपका, ए,
और बीसी भी क्या है आपका ए, गॉट इट। और इनका साथ में क्या है स्क्वेयर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में 2a स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। तो यहां से जो आपका ac निकल के आया है वो आया है अंडर द रूट ऑफ 2 और a, रूट 2a क्या आया बच्चे हमारे पास ac निकल कर आ गया, ठीक है। लेकिन अभी तो सिर्फ ac की जो हमारे पास क्या निकल के आई है, लेंथ निकल के आई है, मुझे तो क्या चाहिए पैकिंग फ्रैक्शन चाहिए ना फेस सेंटर्ड का, तो उसके लिए मुझे वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा, किसका क्यूब का भी निकालना पड़ेगा, प्लस में किसका निकालना पड़ेगा, साथ में पार्टिकल्स का भी निकालना पड़ेगा, गॉट इट। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब ए क्या है यहां पर हमारे पास में, ए क्या है 2r है ना, ए क्या है आपके पास में 2r है, तो इधर क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, एक सेकंड, ये क्या आ गया बच्चे रूट 2a आ गया, ac के इक्वल आया है। अब ac की जो ac को भी a की फॉर्म में लेकर आते हैं, तो ac की जो डिस्टेंस आप निकालेंगे, देखिए आपने क्या कहा कि जो एक स्फीयर है उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है r है, स्मॉल r, ठीक। अब यहां पर टोटल स्फीयर काउंट करते हैं, ये वाली डिस्टेंस की बात चल रही है ना, ये वाले की, तो एक r तो ये रहा, ये सेंटर है, एक r ये रहा, एक r ये, और यहां से सेंटर से एक r ये, तो 1, 2, 3 एंड 4, तो 4r हो गए हमारे पास में। और यहां से मैं कह सकती हूँ ac इज ऑल्सो इक्वल टू 4r, तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, तो यहां से बोल सकते हैं हम दैट रूट 2a इज इक्वल टू 4r। दोबारा सुनिएगा, देखिए मैंने क्या निकाला, पहले तो मैंने यहां से ac को निकाला a की फॉर्म में, तो किस यहां से क्या निकल के आया मेरा ac इज इक्वल टू रूट 2a, यहां से मैंने निकाला, इन तीनों से वैल्यू निकाली मैंने ac के, उसी फॉर्म में मैंने ac की क्या निकाली रेडियाई काउंट की, तो टोटल किसके इक्वल आई 4r के इक्वल आई, तो यहां से मैंने क्या कर दिया रूट 2a, क्योंकि मुझे a की वैल्यू चाहिए थी बच्चे इन टर्म्स ऑफ r। तो यहां से जो a है आपका a क्या आ जाएगा 4 बाई, ये रूट 2 नीचे चला जाएगा 4 बाई रूट 2 r, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या निकाल सकती हूँ वॉल्यूम निकाल सकती हूँ, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब यूनिट सेल आपकी कैसी है क्यूबिकल है, दैट मीन्स क्या आ जाएगा a क्यूब, वैल्यू पुट कर दीजिए 4 बाई ये गड़बड़ कर दिया रूट 2 सॉरी, ठीक है 4 बाई रूट 2, और यहां पर क्या है मेरे पास में r, और इसकी क्या आ जाएगी क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 चार चौक 16, ठीक है, और 16 और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में 64, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट टू इंटू में क्या आ जाएगा आर क्यूब, इसको कट करेंगे क्या आ जाएगा 32, तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना आ जाएगा बच्चे 32 अपॉन में रूट टू आर क्यूब। तो ये क्या निकल के आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकल कर आ गया। अब क्या चाहिए था मुझे पैकिंग फ्रैक्शन याद कीजिए, क्या था वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी कि जितना स्फीयर आपके पास है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल तो हमारा निकल के आ गया 32 अपॉन में रूट 2 इंटू में आर क्यूब, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr क्यूब, लेकिन ये कितने के लिए, सिर्फ 1 के लिए, यानी कि 1 पार्टिकल के लिए हो गया, लेकिन हमारे एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, एफसीसी में कहां कहां पर होते हैं बच्चे कॉर्नर प्लस में फेसेस, ठीक है, तो कॉर्नर्स में कितने होते हैं 8, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस में फेसेस कितने होते हैं 6, एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक जो दीवार है 2 कमरे तो बना सकती है, सो 1/2, ये चीज हम लोग कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है, तो वो लेक्चर भी आपको देखना है, अगर नहीं देखा है तो 4, तो यहां से कितने आ जाएंगे टोटल 4 आ जाएंगे यहां, तो क्या कर देंगे इससे मल्टीप्लाई करा दे, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी 4 × 4/3 πr³, कितना आ जाएगा 16/3 πr³। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया मेरे पास में, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ जाएगा यहां से 16/3 πr³ डिवाइडेड बाई 32 अपॉन रूट 2 r³, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा, क्लियर ओके।
उसके बाद में आएगा आपके पास में क्या क्या बचा इधर, रूट टू कहाँ चला जाएगा आपका, ये रूट टू ऊपर चला जाएगा, तो बचा क्या आपके पास में, रूट टू पाई आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल और 3 दूनी 6, ठीक है। अच्छा जो पाई बाई 6 था ये तो क्या आ गया आपके पास में, पाई बाई 6, रूट टू इंटू पाई बाई 6 की तो वैल्यू निकाली थी 0.524, रूट टू की वैल्यू मुझे पता है 1.414 इंटू 0.524, जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 0.74, क्या आएगी 0.74, और हम इसको 100 से अगर जब मल्टीप्लाई कराएंगे आपको पता है क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगी 74%। तो एससीसी के केस में कितने परसेंट आई, 54%, और एफसीसी के केस में कितने परसेंट निकल के आई, 74%। मैं आपको दोबारा कह रही हूँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, आपको याद रखने हैं, ठीक है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट ये वैल्यू ही पूछ लेते हैं कि एफसीसी के केस में क्या थी एमसीक्यू में, ठीक है। तो ये वैल्यूज क्या है आपको बच्चे अच्छे से लर्न होने चाहिए। अब ये हमने एफसीसी के लिए निकाली, जो लास्ट जो हमारा हमारा लेक्चर था उसमें हमने एचसीपी और सीसीपी के बारे में जाना था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग के बारे में जाना था। तो सीसीपी में जब हमने इनकी जो पैकिंग देखी थी, तो हमने जब हमने इनकी पैकिंग देखी थी तो पैकिंग किस तरीके से नजर आई थी इनकी, सीसीपी की जो पैकिंग नजर आई थी वो पैकिंग क्या थी हमारी, बिल्कुल जैसे कि वो आपके जो पार्टिकल्स कहां पर होते हैं, फेसेस पर होते हैं, यानी कि सीसीपी और एफसीसी एक ही बात होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी दोनों का क्या था, सेम था, राइट। तो यहां क्या था, क्लोज पैकिंग नियरेस्ट नंबर 12 आया था। तो इन केसेस में बच्चों जो आपका क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन होगा, यानी कि अगर आपसे एचसीपी और सीसीपी का भी पैकिंग फ्रैक्शन पूछ ले तो आपको इसी तरीके से ही निकालना है, यानी कि एफसीसी का ही निकाल कर दिखाना है, विच इज 74%। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इनका मैंने नहीं करवाया, वो यही होते हैं, फेस सेंटर्ड ही होते हैं, गॉट इट। हालांकि हमारा क्या होता है, देखो सीसीपी तो होता है एफसीसी के अलावा, एचसीपी भी क्या होता है, मैंने कहा एफसीसी की तरह ही होता है 74%। एक्चुअल में तो हमने, अगर आपने देखा था कि जो हमने क्या निकाला था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग निकाली थी, तो उसकी जो एक फॉर्म थी हमने कहा था रोम्बोहेड्रल की तरह होता है, और इसके 3 से मिलकर क्या बना होता है आपका, हेक्सागोनल मिलकर बना होता है। तो रोम्बोहेड्रल जो होता है उसका भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल गया है, 12 निकल गया है। इस वजह से जो उसकी पैकिंग होती है ना वो किसके नियर अबाउट होती है, एफसीसी के नियर अबाउट होती है 74%। देखिए मैंने ये जरूर कहा कि एफसीसी के इक्वल होती है, एफसीसी एफसीसी के सिमिलर कौन होता है, सीसीपी, एचसीपी को रिलेट कर रहे हैं हम रोम्बोहेड्रल से, लेकिन जब इसकी एफिशिएंसी भी निकाली गई तो हम उसी फॉर्म में निकालते हैं जो कितनी निकल के आई हमारी 74%। अब हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। बीसीसी आप लोग समझते हैं बच्चे, बॉडी सेंटर्ड है ना, क्या था हमारा, बॉडी सेंटर्ड था ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बोल सकते हो, क्यूबिक स्ट्रक्चर बोल सकते हो। तो बॉडी सेंटर का मतलब क्या था, दैट मींस कि जो आपके पार्टिकल्स है वो कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे, और कहां पर प्रेजेंट होंगे, बॉडी सेंटर में। और बॉडी सेंटर के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हर एक बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेंटर हो सकता है, ये भी डिस्कस हम लोग कर चुके थे। तो अगर इसके क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा यूनिट सेल इसकी, ठीक है। तो ये कहां पे हो गए हमारे 8 कॉर्नर्स प्लस में बच्चे क्या था, एक बॉडी सेंटर, राइट। एक क्या है हमारे पास में, बॉडी सेंटर, क्लियर। तो अब मुझे जो डिस्टेंस चाहिए वो कौन सी चाहिए, कॉर्नर्स और बॉडी सेंटर वाली चाहिए, कॉर्नर और बॉडी सेंटर वाली चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहां से कॉर्नर लिया और इससे बॉडी सेंटर से होते हुए पीछे वाला, जैसे कि हमारा एक रूम नहीं होता है, रूम का डायगोनल लगा लीजिए, यानी कि फ्रंट वाले से यू मिलाना, यानी कि ये फ्रंट वाला ये बैक साइड वाला, इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। ये आगे आगे का दीवार हो गई, ये पीछे की दीवार हो गई, इससे हमने एक डायगोनल कट करते हुए निकाला, जो कहां से निकला आपके, बॉडी सेंटर से निकला। समझ में आई बात बच्चों, ठीक है।
तो अब क्या करना है हमें, वही बस पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो एक डिस्टेंस हम लोग निकाल चुके थे, देखो इसको अगर मैंने क्या कह दिया, ए कह दिया, इसको मैंने क्या कह दिया, बी कह दिया, मुझे क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, इसको मैं सी कह देती हूँ, ये हम लोग निकाल चुके हैं एसी, किस केस में, एफसीसी के केस में, याद कीजिए, है ना। तो वो चीज तो हम क्या है निकाल चुके हैं। तो अगर मैं फर्स्टली एसी के बारे में ही बात करूं, तो एसी हमारा क्या आया था, एसी क्या आया था हमारा, ए बी और बीसी का स्केयर का स्केयर रूट, ए बी स्केयर प्लस में बीसी स्केयर निकाल चुके थे बच्चे, है ना। तो यहां से जो मेरी एसी निकल के आई थी वो क्या थी, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस क्या है मेरी, एज लेंथ, एज लेंथ क्या है, ए। तो वैल्यू पुट की थी हमने, याद कीजिए, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो यहां से जो एसी निकल के आया था मेरा वो क्या निकल के आया था, रूट टू ए। मुझे क्या चाहिए, एडी। अगर यहीं से अगर मैं एडी की बात करती हूँ, तो देखिए यहां पर भी बच्चे वही चीज है, ये वाला स्फीयर होगा, ये सेंटर में ये स्फीयर हो गया, ये स्फीयर हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अच्छा, पहले तो मैं निकालती हूँ एडी। अगर मैं एडी की बात करूं तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, एडी कौन सा, डी मेरा है, ये वाला पॉइंट। तो एडी मुझे चाहिए, एडी कहां से कहां है, यहां से होता हुआ ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो एडी होगा, एडी कौन सा है, ये, तो क्या होगा, सीडी स्क्वायर प्लस में एसी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चे, सीडी और एसी, एसी स्क्वायर प्लस में सीडी स्क्वायर। और एसी आपने अभी निकाला कितना आया था, रूट टू ए इसका स्क्वायर, ठीक है। सीडी कितना है, ये एज लेंथ है, ए प्लस में ए का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहां पर, रूट टू ए से ये स्क्वायर रूट से, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में क्या बच जाएगा, टू ए स्क्वेयर ऐसे रहेगा प्लस में ए स्क्वेयर, तो यहां पर थ्री ए स्क्वेयर आ जाएगा आपके पास में। सो एडी विल बी रूट थ्री ए, ठीक है, क्या आ जाएगा यहां से, रूट थ्री ए का स्क्वेयर, ठीक है। रूट थ्री ए का स्क्वेयर ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। सो ये आ गया आपके पास में रूट थ्री ए, यहां से ये स्क्वेयर रूट से बाहर आ गया ये। अच्छा, और जो है आपका एडी किसके इक्वल है बच्चे, देखिएगा एडी आपका और किसके इक्वल है, आपने अभी स्क्वेयर ड्रॉ किया था ना कि मैम एक स्फीयर ये रहा, एक स्फीयर ये रहा, एक स्फीयर ये रहा। तो यहां से ये सेंटर अगर मान के चलू तो आर डिस्टेंस ये हो गई, यहां से आर, ये आर आर, ठीक है। तो कितने आर हो गए, फोर आर हो गए, है ना, कितने आर हो गए, फोर आर हो गए। तो यहां पर एडी इज ऑल्सो इक्वल टू फोर आर। सो फ्रॉम इक्वेशन एंड फ्रॉम इक्वेशन टू वी विल गेट दैट रूट थ्री ए इज इक्वल टू फोर आर एंड ए इज इक्वल टू फोर आर अपॉन में रूट थ्री। तो यहां से आपकी क्या वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू निकलकर आ गई, ठीक है। मुझे क्या चाहिए बच्चे, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या था आपका, ए क्यूब। ए क्यूब कितना आया, फोर आर अपॉन में रूट थ्री का क्यूब। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, चार चौक सोलह, चुके चौसठ, आर क्यूब थ्री रूट थ्री यहां से आ जाएगा, सॉल्व करेंगे थ्री रूट थ्री। तो ये तो क्या निकल के आ गया आपका, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो पहले चेक करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसकी वजह से होगा, कॉर्नर्स प्लस में बॉडी सेंटर की वजह से, ठीक है। तो कॉर्नर्स कितने थे, आठ, कॉन्ट्रीब्यूशन वन बाई एट, बॉडी सेंटर कितना होता है एक, कॉन्ट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में एक। तो यहां से वन प्लस में वन टू आ जाएगा, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा बच्चे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स दो थे, एक का होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, तो आठ एट बाई थ्री पाई आर क्यूब। तो पैकिंग फ्रिक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब और यूनिट सेल। सो आ जाएगा यहां से 8 बाई थ्री पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 64 आर क्यूब अपॉन थ्री रूट थ्री।
आर क्यूब से आर क्यूब, थ्री से थ्री, आठ से आठ इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये बच गया रूट थ्री, रूट थ्री कहाँ जाएगा ऊपर, रूट थ्री पाई अपॉन में क्या बच गया एट। इसको जब सोल्व करेंगे आप तो वैल्यू आएगी 0.68। तो इस 0.68 की परसेंटेज निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई कराने के बाद तो वैल्यू आ जाएगी 68%। तो यहां पर आपकी जो वैल्यू आएगी किसकी किसकी वैल्यू आएगी बच्चे, बीसीसी की गैस में जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो क्या आ जाएगा 68% आ जाएगा। तो आपको यहां पर जो मेन चीजें है वो क्या क्या याद रखनी है, एससीसी के लिए है ना, बीसीसी, इसके बाद हमने किया था एफसीसी, और इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया था बीसीसी, गॉट इट। तो बच्चे इनके लिए आपको पहले तो याद रखना पड़ेगा इनकी ए की वैल्यू, ठीक है। जो ए आया था आपका किस केस में, एससीसी के केस में वो कितना निकल के आया था आपका 8R³, ठीक है, 8R³ निकल के आया था। एफसीसी के केस में जो आपका क्या निकल के आया था बच्चे, जो ए की वैल्यू निकल कर आई थी, तो जो ए की वैल्यू क्या यहां पर एफसीसी के केस में कितनी निकल के आई थी आपकी, फोर, एफसीसी के केस में निकल के आई थी आपकी जो वैल्यू वो आई थी 32 अपॉन में, सॉरी 4√2R, ठीक है। और जो आपकी किसके केस में निकल के आई है, इस केस में जो निकल के आई है वैल्यू बीसीसी के केस में वो निकल के आई है 4R√3, ठीक है, ठीक है बच्चों। यहां से आप रिवर्स भी निकाल सकते हैं, रिवर्स क्या निकाल सकते हैं आप, आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहां से। आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आर की यहां पर जो आपकी वैल्यू होगी, तो आपकी जो यहां पर, सॉरी यहां पर एसएससी में 2R था ना, ये क्या था आपका 2R था, a इज इक्वल टू 2R था आपका। तो यहां पर हम आप रिवर्स भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 2R आया था तो R किसके इक्वल हो जाएगा a बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही यहां पर जो आपका R होगा R किसके इक्वल हो जाएगा a रूट 2 अपॉन 4 के इक्वल हो जाएगा, और यहां से जो आपका R होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा a रूट 3 अपॉन 4 के इक्वल। ये मैं अलग से टेबल आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, अगर आपको देखो याद है कंपटीशन लेवल के लिए बता रही हूँ, तो अगर आपको ये वैल्यूज डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या निकाली थी, इनकी पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था, तो जो आपका एससीसी आया था उसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0.524, दैट इज 52%, ठीक है, 52.4 लगा लीजिए, 52.4%। अच्छा इसकी जो हमारी वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 0.74, दैट इज 74%, और इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0.68%, दैट इज 68%। तो बच्चों यहां पर हमारे पास इन्हीं से रिलेटेड दो क्वेश्चंस है। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, एन एलिमेंट एक्स क्रिस्टलाइजेस, कोई एलिमेंट एक्स है क्रिस्टलाइज हुआ है इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो बच्चे पहली बात तो क्लियर हो गई, किसके बारे में बात कर रही है, एससीसी की बात कर रहा है, विद एज लेंथ ऑफ 150 पिकोमीटर। एफसीसी आपके पास में है और एज लेंथ, एज लेंथ को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था ए से, तो यानी कि वो एज लेंथ कितनी बता रहा है आपको 150 पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम, तो जो एटम एक्स है आपका उसकी रेडियस क्या होगी, एंड द नेबर डिस्टेंस इन द लैटिस, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो भी बताइए कितनी होगी। तो एफसीसी देखो मेन जो चीज है वो तो इसने हमें बता ही दिया कि आपका जो क्रिस्टल है उसमें जो लैटिस है वो किस टाइप की एफसीसी है। तो एफसीसी के अंदर अभी हम लोगों ने देखो जो टेबल तैयार की थी उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं ए की वैल्यू की, तो यहां पर जो हमारा ए निकल के आया था बच्चों वो आया था 4√2R, ठीक है। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो √2 × √2 ऐसे लिख सकते हो √2R, तो यहां से हमारा ए ऑल्सो कह सकते हैं हम क्या हो जाएगा 2 × √2R। कुछ नहीं किया, दो गुना दो होता है ना 4, दो गुना दो, दो क्योंकि मैं मेडिकल वालों के लिए बता रही हूं, मैं दो गुना दो होता है, दो को आप कैसे लिख सकते हो √2 × √2 भी लिख सकते हो, तो 2√2 √2 और ये वाली √2 जो है इसके साथ में कैंसिल हो गया, तो ए किसके इक्वल होता है आपका
टू रूट टू आर के इक्वल होता है। अब इसने मुझसे पूछा क्या है, इसने मुझसे पूछा है रेडियस बताइए, दिया क्या है ए, तो इसको मैं और क्या कर लूंगी, रीअरेंज कर लूंगी, तो आर यहां पर आपके पास में हो जाएगा ए अपॉन में टू रूट टू। देखो अगर आपको डायरेक्ट ए की वैल्यू याद है, आर की वैल्यू याद है, तो भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, या फिर एक की किसी इनमें से किसी एक की वैल्यू याद कर लीजिए, ए की या फिर आर की। तो यहां पर बस वैल्यू पुट करनी है आर। ए कितना है आपके पास में 150 पिकोमीटर, 2 इंटू में, ठीक है, रूट टू की वैल्यू मुझे पता होती है 1.4414 होती है। तो जब मैं इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करूंगी तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 53.04 पिकोमीटर, ठीक है। तो रेडियस निकल के आ गए। अब इससे डिस्टेंस पूछा है, तो मुझे पता है डी किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 2r, बस 2 से मल्टीप्लाई कराना है, 2 इंटू में 53.04 दैट इज इक्वल टू 106.08 पिकोमीटर, सो दैट विल बी योर आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर, ठीक है। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एज लेंथ आप लोगों को दे रखी है कितनी 4.3 एंगस्ट्रॉम, 30 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द रेडियस ऑफ एन एलिमेंट एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल ऑफ द यूनिट सेल। चलो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन मैं नहीं आपको करवाती हूँ, देखो चलो थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, ये बॉडी डायगोनल के बारे में बात कर रहा है। बॉडी डायगोनल का मतलब ये आपका बॉडी सेंटर है, ठीक है, ये फ्रंट थी, ये बैक साइड, ये वाली डिस्टेंस के बारे में, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और मुझे इसका आंसर देंगे। टिल देन बच्चे पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच।